जी भाई लोग, समरकंद में दोबारा से रेगिस्तान स्क्वायर के पास में आ चुका हूँ। अभी दिक्कत ये आ रही कि ट्रेन ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले चेक किया तो रात की ट्रेन दिखा रहा था, बट अभी अवेलेबल नहीं है। दोबारा चेक कर लेता हूँ। समरकंद से ताशकंद के लिए कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है। रात में 2 बजे की है और फिर मेरे को ताशकंद से देखना पड़ेगा। ताशकंद से भी यार 4:30 बजे की एक ट्रेन जा रही है। दिक्कत ये आ रही है वो निकल जाएगी और एक ही ट्रेन है वो। कोई नहीं, चलता हूँ मैं स्टेशन पे, फिर वहाँ देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इधर बड़बड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है और बोलने से, तो वहीं पे चल के देखते हैं। आगे चेक करता हूँ कौन से साइड से मेरे को बस पकड़नी है। अगर बस अवेलेबल तो सीधे पहुँचता हूँ मैं रेलवे स्टेशन पर, फिर वहाँ पर मिलूँगा, बाकी अपडेट वहाँ पर दूँगा। और रही बात बॉर्डर की, भाई बॉर्डर पे मेरे पास में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ज़रा सा भी नहीं। इवन फेस देख के पहले ही बोलते थे इंडियन और बहुत खुश हो रहे थे, पासपोर्ट देख के तो और खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे भाई इंडियंस की बहुत सच में मतलब केयर करते भी हैं और नाम भी है। तो आप कभी भी आओगे यहाँ पर तो हमेशा खुशी रहोगे। ऐसा कोई नहीं कि आपको कोई यहाँ चीट करेगा या कुछ करेगा। आपके बैगेज की बात है, किसी चीज़ की बैगेज, सब कुछ सेफ़ है। टैक्सी में आप रख के भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लेके भागेगा नहीं, ना कोई सामान निकालेगा, कोई निकालेगा, सब कुछ बढ़िया है। सो वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी है, बट बस ये है कि आप जब एग्ज़िट और एंट्री करोगे तो वीज़ा अपने पास में रखे रहना प्रिंट आउट, क्योंकि वो चेक करते हैं एग्ज़िट के टाइम पे भी और एंट्री के टाइम पे भी। सो मेक श्योर कि आपके पास मेरा सारा डेटा रहे, ठीक है। जो समरकंद का टिकट ऑफिस है ना, वो यहाँ से एक्चुअली एंट्री होती है, इसके जस्ट पीछे दिया हुआ है बैक साइड में, एकदम कहीं पर कुछ लिखा भी नहीं है। सो जब आप एंट्री मार रहे होगे ना इस समरकंद रेलवे स्टेशन पे, तो राइट साइड से जिसका कॉर्नर का पार्ट होगा ना, आप उधर पे जाना, वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा। ये दिख लो रेलवे टिकट ऑफिस, तो चेक कर लेते हैं क्या है क्या अवेलेबल नहीं है, फिर आपको बताता हूँ मैं। तो गाइस अपडेट ये है कि मैंने जो टिकट बुक की है 3 बजे की है, 3:54 पे यहाँ से डिपार्ट करेगी समरकंद से ताशकंद के लिए, और ताशकंद में मुझे 8 बजे छोड़ देगी। सो मुझे एक दिन अनफॉर्चुनेटली स्टे करना पड़ेगा ताशकंद में। सो 11 से 12 मैं स्टे करूँगा, 12 को चेकआउट करूँगा, और 13 की मीन्स अर्ली मॉर्निंग जो है वो ट्रेन है 4 बजे की। तो 12 को मैं चेकआउट करूँगा, 12 को पूरा रात भर जो भी है आसपास घूम लूँगा, और लेट नाइट जो है वो ट्रेन स्टेशन पर चला जाऊँगा, उसके बाद से वहीं बैठूँगा। भाई फाइनली बाहर निकल गया हूँ। दिस इज़ दी ताशकंद जानू बी, और जो मेरा जो सिटी वाला स्टेशन है ना, वो सिटी का स्टेशन है ताशकंद पास सेंटर। सो दो डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है और वो सिटी के एरिया सिटी के अंदर पड़ता है। एग्ज़िट आगे से भी ले रहे हैं लोग, देखते हैं वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। गनीमत है मेट्रो वगैरह ऑप्शन अवेलेबल है, तो मेट्रो से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 बजे का टाइम था, 8 बजे ड्रॉप कर दिया। देख लो भाई, ये थी ट्रेन जिससे मैं आया था, इंजन नहीं है। और यही लास्ट स्टॉप था, चलते हैं सीधे अब हॉस्टल पे। एड्रेस मालूम है, चेक इन के लिए मैंने पहले बोल दिया था कि 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो भाई लोग, मैं अपने हॉस्टल से आई थिंक ओनली 400 मीटर दूरी पे हूँ, ज़्यादा दूरी नहीं है हॉस्टल से। सामने एक ही तरफ है, कॉर्नर पे हॉस्टल है जहाँ से कार मुड़ रही है। मुझे भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पता नहीं क्यों, जिस दिन आया था उस दिन कुछ खास फील हुआ नहीं। आ गए हैं अपने हॉस्टल पे, चलते हैं अंदर, चेक इन वेक इन देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है, बाकी फिर आपको बताएँगे। तो भाई वही हर बार के ड्रामे हर एक हॉस्टल का है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हॉस्टल तो पूरा भरा हुआ है,
सो रूम खाली नहीं है बट ही विल ट्राई। और एक घंटे बाद मेरे को बैठने को मिलेगा। सो मैं निकल गया बाहर कुछ खा लूँ तब तक, उससे बढ़िया ब्रश तो मैंने वैसे भी नहीं किया है। सो वाइल्ड ट्रैवलिंग ये सब होता ही रहता है भाई। तो ये आसपास के होटल हैं सब बन रहे हैं, देख लो भैया। यहाँ का फेमस एक थोड़ा सा है ये ग्रैंड इकैन इकैन है होटल है। और हाँ, जो फुल ट्रिप है दो कंट्री की है प्रॉपर, मैंने दो कंट्रीज क्रॉस की हैं और तीसरी से तो मैंने ट्रांजिट किया था। उसमें ऑलमोस्ट मेरे करीब 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं। सिटी अच्छी लग रही है, नीट एंड क्लीन लग रही है आज सिटी पूरी। सो मैं जा रहा हूँ कहीं पे कुछ चमत्कारी जगह, आपको दिखाता हूँ ताशकंद की एक मैजिक सिटी जो कि पूरी बनाई गई है एक पार्क में। तो मैं आपको वहीं पे ले आ रहा हूँ और बहुत से लोग आपको YouTube पे मिल जाएंगे डालते हुए कि नाइट लाइफ ऑफ ताशकंद, नाइट लाइफ ऑफ ताशकंद। एक्चुअल में नाइट लाइफ वो नहीं है जो ये लोग डाल रहे हैं कि नाइट लाइफ ऑफ ताशकंद। सो वो एक्चुअली मैजिक सिटी है, पार्क है, रिटर्न से ग्लोबल विलेज अगर दुबई में देखा हो तो कुछ उसी तरीके से रिक्रिएट किया गया थोड़ा बहुत। तो मैं वहीं ले आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और हो सके तो मैं नाइट में भी वहीं पर रहूँगा। तो नाइट में थोड़ी सी लाइटनिंग मिलेगी, तो आपको वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग भी मिलेगी नाइट में, क्योंकि बारिश भी हो रखी है तो वहाँ पे आपको कुछ अलग मिलेगा देखने के लिए। तो भाई फाइनली आ गए हैं मैजिक सिटी की लोकेशन पे। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अभी रोड क्रॉस करना है क्योंकि चौराहा थोड़ा सा बड़ा है और उस बीच से मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। यहाँ पे उस बेक एयरलाइन का और एक दो और एयरलाइन का ऑफिस है ये बगल में, अगर आपको दिख रहा हो तो। तो भाई अंडरपास दिया हुआ था, मैं बेवकूफ़ी कर रहा था, उधर साइड पे खड़ा था और ये क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे आ सकते थे। मैंने कुछ वैसे खाया तो है नहीं सुबह से, यहाँ पे KFC दिया हुआ है तो ज़्यादा भूख लगी कि तो खा के फिर यहीं से निकल जाऊँगा, क्योंकि डे का मैंने कोई भी प्रॉपर मील नहीं लिया अभी तक का। और कुछ ऐसी है एंट्री, यहाँ पर एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पार्क और इसको डेवलप किया गया है यू कैन से ग्लोबल विलेज की तरह। और कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और आपको यहाँ पे डिज्नीलैंड का एक रिक्रिएशन भी यहाँ पे गया है, बनाया गया है वो भी, तो देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। चलता हूँ अभी दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसी एंट्री है, सारे ब्रांड्स हैं शॉपिंग वॉपिंग के लिए। थोड़ा बहुत आपको यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत क्या आपको वही मिलेगा। मिनी सो अभी थोड़ी सी थोड़ा और शाम हो जाएगा ना तो और हैपनिंग हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी आना शुरू करेंगे शाम हो जाएगी, तो अभी शाम हुई नहीं, देखो ना लाइट है अभी। और अभी चार बजने वाले हैं, 5-6 बजे के आसपास के अंधेरा होगा तब ये लोग आएंगे, वरना अभी तो कोई नहीं आएगा। सारे ब्रांड्स ही लगे हुए हैं देख ले। तो ये सारा कुछ है भाई आसपास का, देख लो मैजिक पार्क, खाने पीने की चीज़ों से पूरा भरा हुआ है। ये मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैजिक पार्क के अंदर चलते हैं। और वो रहा कैसल जो आपको दिख रहा है सामने, सी अमेजिंग है ना। जगह जगह पेप्सी की ही ब्रांडिंग हो रखी है। ये बेसिकली किड्स का एरिया है पूरा सेक्शन जो है, गेमिंग सेक्शन है बच्चों के लिए पूरा बनाया गया है, गर्म है अच्छा है। बच्चे खेल रहे हैं, माँ बाप उदास बैठे हुए हैं, देखो सामने लड़की बैठी उदास। अब है जरा सा मेन एक कॉरिडोर, ये भी है मतलब रोड भी ना कलर अच्छी लग रही है, ब्लैक और वाइट स्लाइडिंग के साथ में। अगर कोई होता तो फोटो सही से खींच पाता मैं भी।
दिस इज़ ऑल अबाउट द मैजिक पार्क। बारिश का मैंने बंदोबस्त कर लिया है, अगर होती भी है तो रेनकोट क्या, मैंने डेकैथलॉन से एक लाइट जैकेट ली थी, इट इज़ यूज फॉर रेन, तो बारिश होगी तो उसको यूज़ करेंगे, बाकी नाइट में देखो खूबसूरत लगेगा ये। ये यहाँ का मेन स्पॉट है इस मैजिक सिटी का, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सीधे स्ट्रेट एंट्री लोगे और एंट्री आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद से दो कॉरिडोर है लेफ्ट और राइट, और उन दो कॉरिडोर के बीच में ना जैसे पत्तियाँ ऐसे फैलती है ना कुछ, वैसे दो दो कॉरिडोर और बने हैं, बस कुछ इस फॉर्म में है, वैसे आपको दिखाई दिया है। मैप अभी पीछे कैसा उसका प्रोग्रामिंग और डिज़ाइनिंग है, मिनी डिज्नीलैंड का वो कर दिया लोगों ने, और मैजिक म्यूज़ियम भी, म्यूज़ियम यार इसमें क्या ही होगा, इसमें देखते हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए है, खेलो और जीतो, ये भी किड्स, मतलब सारा कुछ बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए भी कुछ बना दो भैया। यहाँ पे आपको हैवी स्टफ है जितना भी है अगर आप लेना है तो, ये भी है गेमिंग का, और कुछ है नहीं इस बिल्डिंग के नीचे, खाली खाली सा है, उधर भी कार्निवल का बना रखा है, इधर क्लीनिंग चल रही है वो भी इस समय जब पीक टाइम एकदम आने का हो गया तब। ये रही टॉयलेट, पीछे पीछे बीवाईडी की कार रखी हुई है, दिखाता हूँ आपको, आप पीछे थोड़ा सा गार्डन एरिया है, मतलब लव बर्ड्स के लिए, अगर कपल्स हैं तो वो इधर पीछे की तरफ आ सकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और ये वैंस रखी हुई हैं, थोड़ी सी पुरानी बनाने वाली, एक बीवाईडी की कार रखी हुई है लॉन्च के लिए, किसी को लॉन्च पे ख़रीदनी हो तो अगर ख़रीद लो, नई कार लॉन्च हो रही है। तो कुछ ऐसा पार्क है, पार्क तो बहुत खूबसूरत है। सो स्ट्रीट लाइट्स देख लो, कुछ अलग ही लगा रखी हैं, खूबसूरत है, कैसल कुछ ऐसा दिखता है, और ठीक है यार पब्लिक के लिए कुछ तो बना हुआ है ना, मतलब आके अपना यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा है, खाने पीने का भी है, तो ये नहीं कि भाई सिर्फ घूमने आए तो कुछ खाने के लिए ही नहीं, किसी को भूख लगी तो ये कुछ लाइट्स लगी हैं, डिज़ाइनर लाइट्स बढ़िया हैं। बोटिंग का भी है, उधर कोई म्यूजियम सा है, ऐसे दो तीन ब्रिजेस बना रखे हैं, कनेक्ट कर रखा है, वो पीज एरिया है, और दो तीन ऐसे हैं। सो भाई से पूरा ना गार्डन एक्चुअली है, पार्क एरिया है, देख रहे हो पीछे का पूरा ब्यूटीफुल, सो इसको इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है भैया हैपनिंग प्लेस में, सिर्फ एक इसकी वजह से, और उधर थोड़ा सा आपको पूरा यूरोप और यूके का, लंदन का आपको पूरा फील मिलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्रिएट किया हुआ है। ये मैजिक सिनेमा है, मैजिक पार्क है सामने जैसे मैं बताया आपको, और छोटी छोटी शॉप्स हैं सारी इस साइड में पूरी, ऊपर रेस्टोरेंट्स भी हैं, सही है भाई, कुछ ऐसा अपने यहाँ भी होना चाहिए यार, मज़ा आता है, मतलब ओपन एयर में ऐसा कुछ देखने में ना, और ये क्लॉक टावर लंदन का कुछ वही फील दे रहा है वैसे ही, और ये नियॉन लाइट्स लगी हुई हैं भाई, इसको देखते हैं कुछ खास लग रहा है, कुछ खास का मतलब बढ़िया लग रहा है। सिंपल चीज़ों को भी आप मतलब कुछ अलग कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो, और ये है पूरा नियॉन लाइट से बना हुआ, देख लो भाई पूरी नियॉन लाइट्स है भाई, उस एंड तक है भाई। ये छोटी सी जैसे मैंने आपको दिखाया सेंट्रल हॉल था, और ये गली बना रखी है, मतलब मुझे ऐसी गलियां बहुत अच्छी लगती है, सामने भी देखो दूसरी जगह पे आप निकल जाओगे। फोर सिस्टर्स शॉप है, ये फेडअप आपका खाने पीने के लिए है, आई केस, और एक ये है, अभी सारी लाइट्स जली नहीं है, लाइट अच्छी लगती है देखने में। भाई पूरा रेप्लिकेट कर दिया है, मतलब सारी डिज़ाइनिंग स्टोन वगैरह सब कुछ वही यूज़ कर लिया, देखो
रोमा पिज़्ज़ा बुक्स मिलियन। देखो इस पर भी सेम ही वर्क हुआ है, छोटे छोटे टाइल्स हैं, दूर से खूबसूरत लगती है देखने में। मैं अभी यहीं से गया था निकल के। हेलो सलाम, वेलकम टू ताशकंद। थैंक यू सो मच। ये अगर आपको किसी चीज़ की याद दिला रहा हो, अगर देखे हो आपने पांच पिलर्स, सो मैं तो नाम भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद है। आपको ग्रीस में आपको मिलेगा कुछ ऐसा ये फील जो है, बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इधर चलते हैं, घर में नहीं गया था अंदर की तरफ। अब देखो लाइट्स जल गई हैं पेप्सी के साथ में, वो ये पेप्सी को इतना खोप रखा है ना हर जगह पे। छोटा सा ऐसे एंट्री है, कुछ इतना बड़ा पार्क नहीं है। पीछे का एरिया जो है वो अपना कपल्स जा सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर रखा है, कुछ नहीं। और ये 2024 की जो मैक्स एक्सप्रेस भी यहाँ पे क्रॉसरी का अंडा बना रखा है। बाकी ये पार्क ये बच्चों के लिए है भाई, ठंड और बढ़ रही है। मैजिक एक्वेरियम, मैजिक एक्वेरियम दिखाते हैं आपको। आर्चरी है यहाँ पे, एक्वेरियम में क्या ही जाएंगे भाई। मैंने 58,000 सोम पे किए हैं और एक ये बकेट लिया है, छोटे छोटे पीसेस हैं और इसमें दो लेग पीसेस हैं, विंग्स कह लो। और 58 का कितना बनता है मैं आपको बता देता हूँ, 386 मैंने पे किए INR में, 58 का पड़ा है। तो पहले मैं सोचा दोनों खा लूँगा बट मेरे लिए हैवी हो जाएगा, तो मैं सिर्फ ये बकेट खा रहा हूँ क्योंकि ये इनफ है मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए। फिर बाद में जो है वो अपना मॉर्निंग में खा लूँगा या फिर कल खा लूँगा, जैसा भी है। फिनिश कर लेता हूँ, बारह बार देखूँगा फिर वापस चलेंगे। भाई रात हो चुकी है और लाइटें सारी ऑन हो रखी हैं, तो अभी कुछ जगमगाहट पे कुछ जो डे का नज़ारा था वो पूरा बदल गया है। अभी देखो लाइट्स, कुछ अलग ही नाइट में देखने में कुछ अलग ही लग रहा है भाई। लाइट क्या कमाल करती है कसम से यार, मतलब दिल खुश हो जाता है लाइट को देख के। अगर वो बहुत ढेर सारी रोशनी हो ना अंधेरे में, तो आपको एक अलग ही फील देता है, एक खुशी का एहसास हमेशा रहता है आपको लाइट से। और लाइट थोड़ी सी डेकोरेटिव हो तब तो फिर बात ही अलग है भाई, उस लाइट की और रोशनी की, जैसे कि अभी देख रहे हो मस्त लग रहा है। जगह जगह पे नियॉन लाइट्स लगा रखी हैं। सलाम, सलाम अलैकुम। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? Want to say something to India? India? Yes. Okay. How are you? India. What's that's, up? That's it. Anything else? Have you ever visited India? First of all, I'm going to ask you okay. About Uzbekistan. It's amazing. Welcome to Uzbekistan. Thank you. That's all. Actually, I have traveled, you know, three of the cities of this Uzbekistan, Tashkent, Bukhara, and Samarkand. And now I'm coming back this Tashkent again to go back to Almaty and again to Delhi. Actually, I was supposed to go to Kyrgyzstan. Can you tell us something about your thoughts about Uzbekistan? Uzbekistan, I was, you know, wondering that I can travel these countries, especially three countries. This Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan, because all three are adjacent to each other by land. So it is very good to travel simultaneously. If you are traveling, you know, from India to Uzbekistan, it will cost you a lot more. But still, means it is good place to us, you know, to explore. Even in India, people don't know about these places. So this is the reason why I'm recording it. So that I can show them people, so and you travel place to place, okay? Yes, and also yeah, I also do the book as well. So I have taken a leave for 14 days. Now I'm traveling. Yeah. Travel management. Yes. So I'm a travel consultant. I work as a travel consultant. In India? Yes, in India, Delhi. I stay in Delhi and work in Gurgaon, which is 35 kilometers away from my location. Are you traveling
by yourself? Yes, alone, solo. Okay. So this is just to show the people that yes, they can also, you know, work and travel as well. So it is not hard at what they think that they cannot travel it. So this is how, you know, I'm doing and you know, making my people know that yes, they can also travel. Okay. And it is good traveling. You also start traveling. Okay. How many countries you have visited till now? So how many countries you have visited till now? Travel? Yes. I have traveled. Not yet. So far, not yet. Okay. What about the Tajikistan, Kyrgyzstan, your neighboring countries? No. Why? Because I don't have to travel somewhere, but after years, I'm going to travel some places. Any place you want to wish to go? West? You wish to go any place or any country? Yeah, I'm going to travel, or I'm going to go to Germany or Germany, America. Yeah. So you have a nice English. Thank you. Nice to meet you. You do you also speak English? Only he. He will work as a translator for you guys. Okay. Thank you. Same. Okay. Thank you. Bye bye. Nice. Same to you. Bye bye. So ये कुछ स्टूडेंट थे मतलब लोग बात करना चाहते हैं ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहते हैं मुझे देखते हैं तो मैं तुरंत ही अपनी तरफ से ही अप्रोच कर रहा हूँ कि हाय हेलो कर रहा हूँ जो भी है सो भाई आपको भी ओपन होना पड़ेगा अगर आप सोलो घूम रहे हो अकेले घूम रहे हो नहीं तो फिर बहुत अकेले पड़ जाओगे फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा अब जैसे उस लड़के ने मेरे को देखा उसको हेजिटेशन हुई बात करने में तो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट डाला हाय बोला हेलो बोला फिर बात की थोड़ी बहुत और बस ऐसी कन्वर्सेशन होती है लोगों से मिलते हो बात करते हो बाकी ये रहे नज़ारे लास्ट नज़ारा देख लो एक बार आप सो ऐस सच कुछ गैदरिंग तो लग नहीं रही है खास मुझे लगता है निकलना चाहिए क्योंकि टाइम हो रखा है 7 बज रहे हैं यार यहाँ पर रुकूँ क्या करूँ कोई समझ में नहीं आ रहा कोई कॉफ़ी शॉप थी यार एक जगह पे मैंने देखा सस्ता मिल रहा था आई डोंट नो चेक करते हैं कॉफ़ी पीते थोड़ी देर टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे फिर बाहर निकलेंगे देखेंगे गैदरिंग बढ़ती है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा कि गैदरिंग हो रही है ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही होती जा रही है भाई ये जो लाइंस बनी हुई है ना टाइल्स की बहुत अच्छी लग रही है इवन स्लिपरी भी बहुत है इतना ग्रिप नहीं है अगर आपके शूज़ में ग्रिप नहीं है तो आप मे भी फिसल भी सकते हो आई थिंक ये वाला था कॉफ़ी शॉप इन्हीं के आसपास से मैं गया था बट कहाँ से गया था पता नहीं चल रहा मेरे को 14,000-20,000 समथिंग आपको वो मिल रहा था कॉफ़ी ठीक है रेट रीज़नेबल है ट्री देखो भाई क्या लग रही है मज़ा आ रहा है देख के कसम से मेरा तो बहुत दिल खुश जाता है भाई एक बार आप लोग कसम से ना निकलो बाहर निकलो घूमने के लिए आप लोग को हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूँगा पूरी ट्रिप आपकी अगर चाहो तो मैं प्लान कर दूँगा कोई पैसे नहीं लूँगा कोई चार्जेस नहीं लूँगा कुछ नहीं लूँगा क्योंकि मेरा मोटिव कुछ और है अर्निंग का नहीं है जो दूसरे कर रहे हैं मेरा मोटिव बस ये है कि मैं जैसे ट्रैवल कर पा रहा हूँ ऐसे बहुत से लोगों का ड्रीम है लिटरली मैं बता रहा हूँ जो मेरी अभी जो फीलिंग्स है ना वो आप समझ नहीं सकते हो जब मैं बाहर निकला फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने के लिए सोलो कैसे मैंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की है सो ये मैं जानता हूँ बहुत से लोग और भी हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से पैसों की वजह से मैं पैसों से मैं हेल्प अभी नहीं कर पाऊँगा बट इन फ्यूचर मे भी इंशाल्लाह ज़रूर मेरे से जितना होगा मैं करूँगा और स्पेशली फॉर दोज हु वॉन्ट्स टू ट्रैवल एंड हु वॉन्ट्स टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल सो आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू गाइज बट फॉर बिफोर दैट आई नीड ऑल्सो सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज ताकि मैं ग्रो हो जाऊँ तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा बाकी उससे पहले मैं नॉर्मल ये कर सकता हूँ कि आपके लिए मैं ट्रिप प्लान कर सकता हूँ आइटनरी बना कर दे दूँगा वीज़ा की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल कर दे सकता हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ट्रैवल करना और सजेशन दे सकता हूँ कहाँ जा सकते हो कैसे जा सकते हो और सस्ते में आप एक बार में 2-3 कंट्री कैसे कर सकते हो